तिवारी जी यहां से खड़े हो रहे हैं, यहां से एक नंबर का बटन है इनका, बीजेपी को चंडीगढ़ से हराना है। हराना है कि नहीं हराना? दो बार पिछले 10 साल से बीजेपी को वोट दिया। किरण खेर कभी मिलने आई आपसे? कभी शक्ल दिखाई? तो इस बार फिर भगाओ उनको, मनीष तिवारी को जिताओ। इस बार एक मौका दो इनको। एक नंबर पे बटन है और मनीष तिवारी को एक ही नंबर पे लेके आना है। इनका सबको पता है ना, पंजा इनका निशान है, पंजे पे वोट डालनी है। 1 तारीख को चुनाव है, गर्मी बहुत पड़ेगी, घर में मत बैठ जाना, पसीने आएंगे, घर से पानी की बोतल लेके जाना। और अपनी गली में जितने पंजे वाले वोट हैं, एक एक को वोट डलवाना है। मंजूर है? अब आपके लिए खुशखबरी देना चाहता हूं। जेल से निकल के आया मैं, इन्होंने मेरे को 16 मार्च को चुनाव घोषणा हुई, 21 मार्च को इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया। क्यों डाला जेल में? ताकि मैं पूरे देश में घूम घूम के प्रचार ना कर सकूं। उनको डर लगा कि केजरीवाल प्रचार करेगा, इनकी 20-30 सीट कम हो जाएंगी। लेकिन भला हो सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जा केजरीवाल, जा और प्रचार कर। तो मैं आपके बीच में आ गया। जेल से निकलने के बाद मैं पूरे देश में घूमा हूं। मैं बंबई गया, भिवंडी गया, जमशेदपुर गया, हरियाणा गया, कुरुक्षेत्र गया, लखनऊ गया। आप लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूं, मोदी जी वापस प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। मोदी जी जा रहे हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं।